सभी को मेरा वंदे मातरम वंदे गौ मातरम मित्रों वेदों में स्पष्ट कहा है शुक्ल यजुर्वेद में ऐसा पूछा गया है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी तुलना पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकती है मतलब सिर्फ भारत भूमि की बात नहीं होती है पूरी सभी एलिमेंट्स सभी जगह से पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है तो उसमें जवाब दे दिया गया है कि गौ माता और दूसरी बात आई है कि ऐसी जैसी गौ माता की स्थिति वैसी हमारी स्थिति और वो आज हम भारत में देख रहे हैं कि जहाँ बहुत थोड़ी बहुत गाय की सेवा होती है वहाँ स्थिति अलग होती है और जहाँ हास हो रहा है वहाँ पे स्थिति अलग है आप देख सकते हैं गुजरात और राजस्थान में थोड़ी सी हल्की सेवा हो रही है एक या दो परसेंट तो उसका वातावरण आपको अलग दिखेगा पश्चिम बंगाल केरल सबसे ज्यादा हत्या होती है आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग आपको दिखेगा गाय माता के विषय में बहुत सारे कार्य हुए लेकिन गौ माता का सच्चा घर मेरी दृष्टि से अगर मैंने पूरा एनालिसिस किया तो वो किसान का घर है भले हम गौशाला चला रहे हैं उनका सच्चा घर वो है गौशाला है पंजरापोल है वो आपातकालीन धर्म है तो किसान के घर पे कैसे टिकेगी तो एक दूसरे के पूरक है किसान किसानी और गौ माता वो एक दूसरे से कभी हम अलग सोच ही नहीं सकते मित्रों तो वो कैसे पले उसमें अभ्यास कर रहे थे वहां पर भी शास्त्रों में से समाधान मिला शास्त्रों में वर्णन है पंचगव्य का विषय में पंचगव्य क्या होता है दूध गोबर दही गौमूत्र और गृत वो तीन पांचों को मिला के जब हम सेवन करते हैं तो उसको पंचगव्य कहते हैं तो पंचगव्य सेवन करने से शास्त्रों में वहां तक वर्णन है कि पिछले जन्म का कर्म का भी क्षय होता है अभी सारे रोगों का भी शमन होता है तो वो क्या टेक्नोलॉजी है कि तो उसके अंदर गोबर के अंदर एक ग्राम गोबर के अंदर सौ करोड़ से ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं सौ करोड़ से चार हजार करोड़ तक होते हैं दही के अंदर भी है हमारा पाचन का भी ठीक होता है उनका जीवन भी अच्छे से पूर्ण होता है तो वो जब पांचों चीज एक साथ में होती है तो हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है अपने आप पाचन की प्रक्रिया बदलती है और बहुत सारी चीजें होती है और साथ साथ में जो अभी हम कोरोना काल में जो जी रहे उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्यों शहर वाले और जो हाइजीन ज़्यादा है फॉरेन में उसी को दिक्कत आ रही है क्योंकि वो फैमिलियर नहीं है बैक्टीरिया से जब हम पंचगव्य का सेवन करते थे तो हमारी एंटीबॉडी बनाने की प्रैक्टिस थी उससे नहाते थे गायों के बीच में मिट्टी के साथ खेलना तो अपने आप शरीर एंटीबॉडी बनाती थी तो वो फेमिलियर होते थे आज देखो गाँव में कोई नहीं मरा है ऑलमोस्ट जो गाय के नज़दीक रहा है उसका कारण यही है तो हमारी हर एक चीज के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान भी था कि भाई पंचामृत का पान करना पंचगव्य का पान करना तो हमने सोचा कि हमारे लिए जो कार्य करेगा वो धरती माता के लिए भी करेगा वो पौधे के लिए भी करेगा तो हमने कुछ पौधे में पंचगव्य डाल के देखा तो पौधा बदलने लगा अचानक लेकिन किसी किसान को हम ये नहीं बोल सकते न, आप घी घी डालो खेत में अनुकूल नहीं आएगा पोसाएगा नहीं तो उसको यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको कार्य करना था तो हमने शास्त्रों में देखा वेदों में देखा शाम का पीला श्वेत का पीला ताम्र का पीला सुवर्ण का पीला उसके ग्यारह प्रकार गौरो चार सौ गौ माताओं के सेपरेट गौ के गौमूत्र गीर ही गाय है हमारे पास अठारह गोत्र की गाय है भावनगर के राजा के वंशज है मोरबी राजा के वंशज है जूनागढ़ ना के वंशज है तो ना इनब्रिड होता है ना क्रॉस ब्रिड होता है शास्त्रीय पद्धति से उसका संवर्धन होता है तो मेजर गाय के पांच पीढ़ी के रिकॉर्ड है हमारे पास लेकिन एक ही भोजन होने के बावजूद भी सबके गौमूत्र अलग निकले वहां वेद सत्य मिले एक के अंदर अगर 0.450 अगर सिल्वर है तो है।, है तो दूसरे के के अंदर अंदर 0.005 किसी 0.150 है तो 5000 से 10 दस हजार टके का फर्क है अंदर औषधि वैल्यू का तो जो रस शास्त्र के अंदर महा औषधि बोला है वो गोल्ड का सुवर्ण तत्व भी गौ देशी गौ माता के अंदर है और वो साइंटिफिकली प्रूव है मैंने ये कोई भी चीज हवा में चर्चा नहीं कर रहे तो चीज किसानों को समझनी चाहिए पूरे भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि गौ माता को गौ माता क्यों कहा गया है तो हकीकत में वही टेक्नोलॉजी हमने पूरा अभ्यास किया आज तक इसके अंदर हमने एनालिसिस किया गौमूत्र के अंदर पांच हजार एक सौ कंपाउंड मिले शायद साढ़े तीन सौ चार सौ के दुनिया ने नाम दिए है बाकी के नहीं देने पड़ेंगे आज तक की जितनी एलोपैथी दुनिया ने ढूंढी है कॉपर मैंगनीज सल्फर स्टीरोइड सारा कुदरती फॉर्म में गौमूत्र में मिला हमें तो वैसा ही गोबर का महत्व है गोबर के अंदर भी बहुत सारे औषधि वैल्यू निकली तो ये सब चीज के अंदर कुछ श्रेष्ठ गौ माता जो दस लाख में से एक होती है कुछ अलग गाय माता होती है उसके पंच और इक्कीस औषधि को मिला के हमने कल्चर तैयार किया बैक्टेरिया आ, उसको नाम दिया हमने गौ कृपा अमृतम कि खेती के अंदर क्या काम किया जाए कि जल्दी से जल्दी किसान आत्मनिर्भर हो स्वाभिमान से खड़े हो जाएं तो ये कल्चर में हमने बहुत सारे एनालिसिस किए काफी प्रोटोकॉल्स तैयार किए तो सरलीकरण पे हमें जाना था सिंपल पांच चरणों में पूरी खेती तो उसको कैसे देंगे तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं पहले बताता हूं कि ये पांच चरणों की खेती कैसे है कैसे ये वर्क करेगी और कैसे पूरी दुनिया का इसके अंदर बहुत हित रहेगा जैसे पहला चरण आप देख रहे हैं हम एक लीटर की बॉटल किसानों को फ्री देते हैं उस बैक्टीरिया की उसके ऊपर छेद रहता है तो करना क्या है आपको 200 लीटर पानी में वो मिला देना है ड्रम सफा होना चाहिए ना केमिकल होना चाहिए ना उसके अंदर तेल होना चाहिए है ना 200 लीटर पानी में सिंपली ये बैक्टीरिया डाल देना है उसके अंदर दो किलो गुड़ डालना है गुड़ का पानी बनाकर और दो लीटर देशी गाय की चाच डालनी है देशी गाय जब मतलब वो कंपल्शन जरूरी है विदेशी गाय के बैक्टीरियाज अलग है भैंस के बैक्टीरियाज अलग है डेरी के तो कुछ अलग ही लैक्टोज वो डेवलप करते हैं तो वो कल्चर अलग रहेगा तो देशी गाय की छाछ होनी चाहिए बिलौने की या फिर कोई भी देशी गाय के घर पे मिलाया हुआ दही की ठीक है तो ये एक हफ्ते उसको एक एक मिनट हिलाना है सिर्फ तो एक हफ्ते के अंदर ही वो एक लीटर का आपका दो बन जाएगा दो बन गया फिर क्या होना है कि उपयोग आपने खेती में किया और दस दो का दस लीटर बचा वापिस अंदर पानी डाल दीजिए वापिस दो किलो गुड़ डालिए दो लीटर छाछ डालिए वापिस एक हफ्ते में दो बन जाएगा आपने अच्छा डेवलप कर लिया ये कल्चर 200 लीटर आपके पास तैयार हो गया उसमें से एक लीटर किसी मित्र को आपने दिया उसने भी 200 लीटर पानी में डाल दिया और दो किलो गुड़ और दो लीटर छाछ डाली उसका भी 200 बन जाएगा तो सरल भाषा में कहूं तो ये दही जैसा जामन है जामन का भी खत्म हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ना तो हजारों साल भी टिक सकता है तो यह पहली बात है कि आपके घर पे कैसे बनेगा ये कल्चर यह मल्टीपल करने की सिंपल थियरी हमने बता दी कि आपके घर पे ही बनता रहेगा तो पहला चरण यह है और दूसरा यह खराब नहीं होता है जल्दी मतलब ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में उपयोग करना है दस दिन में उपयोग करना है महीने में उपयोग करना है ये आप चाहे पंद्रह दिन के बाद कीजिए महीने के बाद कीजिए छह महीने के बाद कीजिए एक साल के बाद कीजिए कोई दिक्कत नहीं सिर्फ अगर बारिश की सीजन की खेती करते हैं तो डेढ़ महीने के बाद वापस थोड़ा गुड़ और छाछ डाल दीजिए तो बैक्टीरिया को भोजन मिल जाएगा तो वो अपने आप मल्टीपल होते जाएंगे तो आपके घर पे ही वो सूती कपड़े से ढक के कोई पेड़ के नीचे रखना है तो सिंपल हो गया आपके घर पे बनने वाला पहला चरण ये हुआ पहला चरण दूसरा चरण कि ये उपयोग कैसे करना है तो एक गाय एक एकड़ का हमारा दर्शन है जैसे आपने तुवेर उगाई मूंग उगाई या गेहूं उगाया दाना बार बेचा पत्ता तो निकलेगा ही तो एक एकड़ में से कम से कम दो गाय का पत्ता तीन गाय का पत्ता निकलता है पत्ता गाय ने खाया नॉन प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव गाय भी गोबर तो देगी जैसे हमने इसमें दूध को प्रोडक्ट बना दिया है है ना क्योंकि नंदी भी बहुत सारे होते हैं बूढ़ी भी गाय होती है तो हम कभी हमारे बुजुर्ग के साथ ऐसा वर्तन कर सकते क्या कि नॉन प्रोडक्टिव होने से उसको घर से निकालते नहीं ये भारत का दर्शन ही नहीं है तो उसको हम लोग ने इसमें उपयोग किया है कि नई दूध देने वाली गाय भी गोबर तो देगी तो एक गाय एक एकड़ का मिनिमम दर्शन है एक गाय कम से कम चार टन गोबर देती है सालाना बड़ी गाय और आठ हजार लीटर गौमूत्र देती है उसके नीचे गौमूत्र जहां गिरा है वहां से भी मिट्टी घिसेड़ के दो फीट ऊंचा दो फीट चौड़ा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसी लंबी लाइन कर देनी है गोबर की कोई पेड़ के नीचे या ग्रीन नेट के नीचे चलेगा कोई गड्ढा नहीं करना है कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है नथिंग कुछ नहीं करना है उसके ऊपर ये पचास लीटर बैक्टीरिया छिड़क दीजिए उसको गिला रखना है चाहे ड्रिप से करिए तो भी चलेगा साठ दिन में वो वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बन जाता है इसके अंदर छह बैक्टीरिया ऐसे जो कंपोस्टिंग का काम करते और ये प्रोसेस में काम होगा प्रोसेस मतलब जो अगर गोबर का बड़ा ढेर हाथ डालेंगे तो पूरा हॉट रहेगा ना? तो जैसे दूध को गर्म करते पचास कंपाउंड और विटामिन बी ट्वेल्व चला जाता है तो हम हाइजीन के नाम पे गह, किसानों के घर में से विटामिन बी ट्वेल्व और सब हटा रहे तो ऐसा ही गोबर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं तो वो सब चीज ठंडी प्रोसेस में जब खाद पूरा पकता है तो बहुत रिच खाद बनेगा बनेगा है ना तो तो ये खाद आपके घर पे ही तो वर्मी कंपोस्ट में भी आपको ब रुपया कम से कम एक टन के पीछे खर्चा आएगा ये सिर्फ चार से पांच रुपए में आपका एक टन खाद तैयार हो जाएगा और क्या करना है साल में एक ही बार खाद डाल देना है ये बैक्टीरिया का भोजन खाद होता है कार्बन होता है हमेशा बैक्टीरिया क्या भोजन लेता है कार्बन लेता है कार्बन का स्त्रोत्र क्या होता है तो वनस्पति का कचरा होता है गोबर होता है विदेशी गाय का गोबर होता है सभी होते हैं पर सिर्फ और सिर्फ देशी गाय के गोबर में बारह सौ कंपाउंड है और देशी गाय के गौमूत्र में पांच हजार एक सौ कंपाउंड है तो उसकी तुलना कहीं और हो सकती है क्या नहीं हो सकती है इवन भैंस और विदेशी गाय के गौमूत्र में एक भी नई काम के फंगस जो खेती के वो मल्टीपल देखे गए हैं तो देशी गाय का क्यों उसके वैज्ञानिक आधार हम आपको धीरे धीरे आप आपके खेत में महसूस करेंगे तो ये एक गाय गायकर हो गया तो नई दूध देने वाली गाय भी पत्ते खा करके गोबर देगी और ये गोबर बैक्टीरिया खाएंगे तो हर साल शाश्वत खेती की बात होगी काफी लोग बोलते हैं कि गोबर नहीं डालने की जरूरत है खेत में सिर्फ कुछ कल्चर से हो जाएगा नहीं मित्रों लंबा नहीं चलेगा काफी राज्यों में उत्पादन धीरे धीरे घटा है क्योंकि वनस्पति के कचरे भी हम डालेंगे अच्छा दिन के स्वरूप में तो उसके अंदर बीस पचास कंपाउंड रहेंगे वो लॉन्ग टर्म पे अच्छी शाश्वत खेती और उच्च गुणवत्ता युक्त खेती नहीं दे सकता है तो हर साल इतना गोबर पड़ा तो 1200 कंपाउंड खाकर के जो पौधे ने जो अनाज पकाया और जो सब्जी पकाई उसकी तुलना कहीं दो पांच कंपाउंड पचास कंपाउंड से हो सकती है क्या कभी नहीं हो सकती है तो जो हजारों साल से शाश्वत खेती का मॉडल था जो राजीव दीक्षित जी जो कहते थे 200 साल पहले धर्मपाल जी की अंदर जो वर्णन है कि इतना भारत का उत्पादन ऊंचा था उसके पीछे सिर्फ देशी गौ माता थी वो टेक्नोलॉजी हम भुला चुके तो एक गाय एक एक हमारा दर्शन हुआ और अगर आप गन्ना जैसे जो क्रॉप उगा रहे या फिर आलू है तो उसके अंदर दस टन गोबर डालना है चार की जगह पर तो दो गाय आराम से इतना दे देगी और अगर आपको और अच्छा परिणाम लेना है तो गोबर गैस आपके घर पे बसा दीजिए या फिर एक गड्ढा करके स्लरी बना देना है ये जो गोबर डाला गौमूत्र डाला इसके अंदर बैक्टीरिया थोड़ा डाल देना है और जब भी आप पानी देते फ्लड इरीगेशन में या कैसे भी तो उसके साथ में ये बहा दीजिए तो सिंपली ये गोबर लाइव फॉर्म में जब वो परफॉर्म करता है अनमेच परिणाम मिलते हैं मित्रों तो हमने बहुत सरलीकरण पे ध्यान दिया पहला चरण बनाना कैसा दूसरा चरण उपयोग कैसे करना गोबर के अंदर तीसरा चरण गोबर भी आपको बहुत विवेकपूर्ण उपयोग करना है जैसे आप कैस्टर की खेती एरंडे की खेती करते तो उसी लाइन में गोबर डालना है पूरे खेत में मत बिछाइए तो नए काम के वीड्स को नहीं मिलेगा जिसको चाहिए उसी को वहां से पोषण मिलेगा और उसी को डेवलप करेंगे अभी हम जाते हैं तीसरे चरण पे ये बैक्टीरिया कितना नीचे देना है और कितना ऊपर अप्लाई करना है तो नीचे देना है आपको प्रथम पहली बार एक हजार लीटर है ना चाहे और देना बहुत इजी है आप देख देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आप ड्रिप के अंदर डालेंगे वेंचुरी लगा के इजीली चला जाता है आप स्प्रिंकलर में वेंचुरी लगा के कीजिए चला जाएगा आप फ्लड इरिगेशन में वो चकली खोल दीजिए अपने आप चला जाएगा तो यूजर फ्रेंडली उसको गालना चालना कुछ भी झंझटी नहीं है है ना तो बहुत सरल है और दूसरा ड्रिप में चौकअप है तो चौकअप धीरे धीरे खोलेगा तो ये बैक्टीरिया गुण है कि ड्रिप को भी साफ सफा रखेगा तो ये बैक्टीरिया जब भी आपके खेत में डालना है तो प्रथम बार प्रति एकड़ एक हजार लीटर दूसरी बार क्या करना है हर महीने 1500 लीटर मिनिमम जाना चाहिए प्रति एकड़ आपकी काली चिकनी मिट्टी है दो ही पानी लगता है महीने में तो करना है तीन पानी लगता है पांच सौ पांच सौ के बना देना है। तो वैसे आपको डालेंगे तो बहुत अच्छे से आपके खेत में कंटिन्यूस वो प्रोसेस होएगा और तीस साल से यूरिया डाला है वो भी पूरा लेयर तोड़ के बहुत ही जमीन पोरस बनाना चालू कर देता है है ना तो ये तीसरा चरण है कि बैक्टीरिया नीचे बहाना है ठीक है इसमें सिर्फ बाहर से एक ही चीज खरीदनी होती गुड़ वो भी किसान के घर पे पैसा जाएगा तो ये हो गया तीसरा चरण वो कैसे काम करेगा जमीन के नीचे जाके वो मैं अगला विषय आपको बताता हूं कि कि डीप में कैसे जाएगा चौथा चरण हमेशा रोग आए ही नहीं स्थिति निर्माण हो तो कैसा आनंद हो आयुर्वेद वही करता है ना इंसान के लिए वैसा हम धरती माता के लिए सोचे हैं कि हर हफ्ते ये जो बैक्टीरिया का ड्रम बना है उसमें से दो से तीन लीटर बैक्टीरिया लेना है अमृतम और बाकी तेरह लीटर पानी पंप में कोई भी क्रॉप हो दुनिया का हर हफ्ते छिड़क दो चाहे पांच दिन का पौधा हो अभी सिर्फ डाला ही हो दस दिन का हो फ्लावरिंग स्टेज हो फ्रूटिंग स्टेज हो एच एंड एनी स्टेज कभी भी डाल सकते हैं इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो ये डालेंगे तब क्या होगा इसके अंदर ऐसे कुछ बैक्टीरिया है जो अपने शरीर में से ऐसा एंजाइम छोड़ते ऐसा रस छोड़ते हैं कि नहीं काम के फंगस की सब दूर भागते तो रोग आने की स्थिति नहीं निर्माण होती है है ना जैसे मिर्ची का रोग होए जो मिर्ची के अंदर कुकड़वाय नाम का रोग आता है तो पच्चीस हजार रुपये लीटर दवाई डालने से भी नहीं जाता है ये तीस पैसे घर पे पड़ता है जैसे ही डालते हफ्ते के अंदर चला जाता है ऑलमोस्ट वैसा ही पपीता का वायरस निकालना बहुत मुश्किल है ये जैसे ही स्प्रे करो हफ्ते के अंदर वो कंट्रोल हो जाता है <coughs> सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है कि नए काम की फंगस जो जमीन के नीचे वो दिखती नहीं है हमें मूल के नीचे काम करती है तो पौधा पीला पड़ता है तब पता चलता है कि पचास टा का हानि हो चुकी है लेकिन आप नीचे फ्लड में और ऊपर देते हैं तो नीचे वातावरण ही वो नई काम की फंगस को सप्रेस फॉर्म में डाल देता है तो अच्छा वातावरण मिला तंतुमूल फूटे अच्छा उसको एनर्जी मिलता है तो अच्छा काम पौधा कर सकता है तो पौधे की हेल्थ ही अलग बढ़ रहती है तो क्या होता है कि उसकी कोई स्टेज में रुकावट नहीं आती तो पौधा पहले से अच्छा वातावरण अनुकूल मिला तो अच्छे से वो ग्रो करेगा ये हो गया चौथा स्टेप सरल है अभी पांचवें चरण में आपातकालीन अभी कुछ कोरोना जैसा कुछ पौधे में आ गया तो क्या करना तो उसके लिए हमें एक ही चीज करना है कि पैंतालीस दिन पुरानी छाछ कहीं पर भी आप ड्रम में एक बना के रख देना है चालीस दिन पुरानी छाछ मतलब छाछ वो एक साल तक भी चलेगी कोई दिक्कत नहीं है दो साल भी चलेगी वो छाछ अंदर के अंदर कुछ कॉपर के टुकड़े डाल देना है तो कॉपर का गुण छाछ के अंदर आ जाएगा तो जब आपातकालीन है 200 ml दो सौ एम एल से लेकर दो लीटर जैसी स्थिति वो आपको छाछ लेनी है पुरानी उतना ही गौ कृपा अमृतम लेना है उतना ही ताजा गौ मूत्र और बाकी का पानी नौ नौ से दस लीटर कौन से भी पौधे में पहले कुछ पौधे में डालेंगे तो तुरंत परिणाम मिलेगा शायद कुछ वायरस और फंगस वाले पौधे रहेंगे तो पत्ते गिर के वापिस पौधा नया रूप ले लेगा तो चिंता का विषय नहीं है तो ये पांचवा चरण लेकिन आपातकालीन में ही उपयोग करना है तो ये सिंपल पांच चरणों में खेती सरल लगी तो बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे काम करेगा ये आप जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया का पूरा लिस्ट है इसके अंदर 10 से ज्यादा बैक्टीरिया वो है ये कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है कि मैं ये दावा कर रहा हूं कि 10 दिन के अंदर आपके खेत के अंदर से यूरिया डीएपी और पेस्टिसाइड बंद हो सकता है भले आपने 30 साल से केमिकल खेती की हो किसान का सबसे बड़ा डर यही है कि उत्पादन घटेगा तो क्या करेंगे और वो व्याजबी है व्यावहारिक बात है उनकी इसके अंदर दस से ज्यादा बैक्टीरिया जो स्क्रीन पे देख रहे वो नाइट्रोजन फिक्सर है नाइट्रोजन मतलब यूरिया यूरिया हम कहां से लाते हैं फैक्ट्री से फैक्ट्री कैसे बनाती है बहुत सारी जटिल तो तो नुकसान करने वाला है तो ये बैक्टीरिया गोबर ये नहीं काम के कार्बन को खा करके हवा में से सीधा पौधे को नाइट्रोजन दे रहा है तो यूरिया विदिन से जैसे यूरिया डालते आपको पांच सात दिन में वनस्पति का कलर बदलता है गुण दिखता है तुरंत उसका वैसे ही स्पीड में इसी से परिणाम मिल रहा है तो हम कभी किसी को नहीं बोलते कि आप एक रात में चेंज हो जाओ एक रात में बदल कर जाओ आपके पास दस एकड़ भूमि है आधे एकड़ में डालिए बाय स्क्वायर फीट में डालिए एक ही जमीन है एक ही बीज है अनुभव कीजिए मैं जो कह रहा हूं उसका दोनों का बीज का अंतर अनुभव कीजिए कि हकीकत में यूरिया बंद हो रहा है क्या ठीक लग रहा है तो ही स्वीकार करना है, है ना तो ये हो गया आपका यूरिया हो गया ये जो लिस्ट देख रहे छह बैक्टीरिया वो फॉस्फरस की उपलब्धि कराने वाला बैक्टीरिया फॉस्फरस मतलब

यूरिया का तीन लाख करोड़ से ज्यादा है यहाँ के मैन्युफैक्चरर बाहर का सब मिला के टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो चौदह से पंद्रह लाख करोड़ रुपया किसान और सरकार की जेब में से कंपनियों की जेब में जाता है वो इसके द्वारा जीरो हो सकता है और गौ माता वापिस प्रस्थापन हो सकती है पैसा तो बचेगा हेल्थ भी बचेगी और जो आप नेक्स्ट देख रहे दूसरा मैं बताना चाह रहा हूं कि जब पेस्टिसाइड हम डालते हैं ना किसान मित्रों तो सबसे पहला शहर वालों को बाद में नुकसान करेगा पहले किसान को करेगा क्योंकि जब स्प्रे करता है जैसे हमने खाया कुछ पेस्टिसाइड वाला कोई बहन ने या किसी ने कभी भी व्यसन नहीं किया उसको भी कैंसर आ रहा है क्यों क्योंकि जो हम खेत में डालेंगे वो रेसिड्यूस उसके पौधे में आकर के अन्न में आना ही आना है वैसे ही अगर मैं ये कहूं कि किसान जब डायरेक्ट स्प्रे करता है अन्न खाते तो धीरे धीरे शरीर में वो जहर जमा होता है लेकिन स्प्रे होता है तो यहां से यहां डायरेक्ट कनेक्शन है तो कुछ जर्मनी और लंदन के साइंटिस्ट भी मेरे साथ संपर्क में हैं तो उन्होंने वो पूरा रिसर्च लगभग फाइनल होने की तैयारी में है कि वो डायरेक्ट किसान को जल्दी नुकसान करता है आज जूनागढ़ के पास एक अजाब करके गांव एक ही गांव में साढ़े तीन सौ कैंसर के केस है आप मार्क कर लीजिए कहीं पर भी सब्जी की खेती होती है वहां पर स्प्रे ज्यादा होता है और वहां पर कैंसर के केस सबसे ज्यादा है तो किसान के लिए कोई नहीं खड़ा है फिर उसको दिक्कत है तो ये जब आप अपनाएंगे तो अपने आप पहले आपके घर में ही सुखाकारी आएगी और फिर जो खाएगा उसके घर में सुखाकार आएगी फिर ये जो नेक्स्ट आप जो लॉट देख रहे हैं बैक्टीरियाज का वो 10 से ज्यादा ऐसे बैक्टीरिया है जो ग्रोथ प्रमोटिंग का काम करते हैं जो पौधे को मतलब उत्पादन क्षमता आपकी कम नहीं होने देती उत्पादन क्षमता आपकी बढ़ती है धीरे धीरे तो ये ग्रोथ प्रमोटिंग का काम करते हैं इसमें बैक्टीरिया जीनस जो ऐसे भी है जियो बैक्टीरिया जीनस कहते हैं उसको कि हमने गोबर के अंदर पाया कि भाई इसके अंदर कोबाल्ट भी है जिंक भी है सब चीज है जैसे हमको आयोडीन नमक चाहिए तो कितना चाहिए सोई की नोक बराबर भी नहीं चाहिए बट चाहिए है ना वो विवाद की बात अलग है बट चाहिए वो तो अभी तक प्रस्थापन है वैसे ही हर पौधे को कोबाल जिंक मैंगनी सब चाहिए लेकिन वो डायरेक्ट खा नहीं सकता है ये पौधा जो हमने गोबर डाला है गौमूत्र डाला है उसके अंदर ये सब कंपाउंड और एलिमेंट्स है उसको सुपाच्य स्वरूप में खिलाएगा तो अपने आप पौधे की इम्यूनिटी बदल जाएगी ना तो ये बहुत अच्छे से ये बैक्टीरिया जीनस काम करते हैं जियो बैक्टीरिया जीनस कहते हैं उसको वैसे ही जो आप ये देख रहे दूसरा लिस्ट वो अब तक हमने टॉक्सिक रिड्यूस करने वाले बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो तो वो क्या करेगी अब तक हमने जो भी केमिकल डाला है यूरिया और पेस्टिसाइड डाला है उसको सभी को धीरे धीरे बैलेंस करेगी और दूसरी तरफ अच्छा वाला कार्य भी बढ़ेगा दूसरा जो लिस्ट आप देख रहे हो सल्फर के उपलब्धि वाली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं किसानों को जटिल चीजों में ज्यादा नहीं लेके जाना हूं बट ये टेक्नोलॉजी इसलिए बता रहा हूं कि आपको आपके खेत का वैज्ञानिक खुद बनना है आपको आपके पौधे के संग बात करनी है आपको आपकी मिट्टी के साथ बात करनी है मैं जो बोल रहा हूं वो देखना है कि वो जमीन के ऊपर दिख रहा है क्या वो पौधे के अंदर दिख रहा है क्या तो बिल्कुल आपको आपके वैज्ञानिक खुद बनना है ठीक मित्रो? है मित्रों अभी अपन नेक्स्ट जाते हैं कि ये डालने के बाद होता क्या है प्रकृति के अंदर आपने भले तीस साल से यूरिया डाला हो नब्बे टका किसानों के वहां पाया गया कि दस दिन के अंदर ही केचवा अर्थवर्म्स पैदा हो जाते बड़ी मात्रा में है ना तो वो तो किसान के मित्र है सबको पता है तो अर्थवम्स जो पैदा हो गए वो ऊपर की मिट्टी से लेके पंद्रह फीट तक नीचे जाने वाली वेराइटी पैदा होती है इसके अंदर तो एक हजार केचवे को अगर अच्छा वातावरण मिला तो एक साल में वो सवा आठ लाख बनते हैं और वो जब ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेंगे तो जमीन कैसी पोरस हो जाएगी एक बार जो छेद किया वो दूसरी बार वो छेद उपयोग नहीं करते और अपने साथ ऐसा रस छोड़ के जाते कि वो छेद जल्द भी बंद भी नहीं होता है तो बहुत ही अच्छी मिट्टी पोरस हो जाएगी और जनरली हम जो केचवे का खाद बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट उसके अंदर क्या होता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का केचवा ऊपर रहता है वो सिर्फ गोबर खाता है और ये केचवा मिट्टी भी खाने वाला पैदा होता है तो पूरी जमीन बैक्टीरिया और केचुआ पोरस बना देंगे तो बारिश का इस साल जहां पर भी गुजरात में और दूसरे राज्यों में ज्यादा बारिश थी ये गौ कृपा अमृतम जहां अप्लाई किया उसमें बारिश का पानी नीचे उतर गया जो सबसे बड़ा दुनिया का जो दूसरा प्रश्न आने वाला जल स्तर जो नीचे जा रहा है वो है क्यों आता है नीचे आपने यूरिया डाला उसकी परत जम गई बारिश का पानी आया पानी टिप के चला गया अंदर नहीं उतरता है नदियों में चला गया दरिये में चला गया लेकिन वो जमीन को नीचे वापस नहीं मिलता है वैसे ही कोस्टल एरिया में खारा पानी नीचे आ रहा है क्योंकि बारिश का पानी नीचे नहीं उतर रहा है ठीक है ये जैसे ही पोरस जमीन हो गई तो हर एक खेत चेकडैम बन जाता है सब बारिश का पानी नीचे उतरेगा कम पानी में खेती होगी और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन होगी तो अपने आप सब सहूलियत धरती माता का काम हो जाएगा तो पूरे विश्व में जल स्तर का समाधान ये गाय माता के द्वारा ही हमने ये पाया है और यही हम विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं और कोस्टल एरिया में भी जब बारिश का पानी पोरस होकर नीचे जाएगा तो वो खारा पानी धीरे धीरे बैक होगा तो गाय माता ही हमको बचा सकती है ठीक है तो ये हो गया केचवे का अगर बात करने जाए तो बहुत लंबा विषय होगा बट ये छोटी छोटी मैंने बात कुछ बताई नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कहीं पर भी हम स्प्रे करते हैं डालते हैं तो वहीं सभी 20 के 20 राज्यों में हमने अभी ये तक ये फैलाया है मधुमक्खियां पैदा हो जाती है अलग अलग प्रकार की तो मधुमक्खिया पोलिनेशन का काम कितना अच्छे से करती है वो बताने की किसी को जरूरत नहीं है मधुमक्खिया बढ़ती है तो अपने आप कुछ सभी प्रकार में काम करता है तो मधुमक्खिया बहुत जरूरी है अगर हम केमिकल स्प्रे करते तो मधुमक्खिया मर रही है और इससे मधुमक्खिया बढ़ रही है अचानक से तो सभी जगह पे कॉलोनी मधुमक्खिया की बनना चालू हुआ है सभी राज्यों के अंदर तो आप देख सकते कितना अच्छा कार्य हो सकता है ये जो देख रहे हैं जो स्क्रीन के ऊपर हमने कंट्रोल प्रयोग किए थे जैसे ऐसे बारह प्लॉट है गोबर अगर इसको सुपाच्य स्वरूप में दे रहे तो मैं हवा में तो चर्चा नहीं कर सकता हूं ना देखो ये सभी प्लॉट के अंदर आप देख रहे कि गोबर हमने एक ही मात्रा में डाला है किसी में ये बैक्टीरिया अप्लाई किया है किसी में नहीं किया है किसी में फॉइलर किया है तो सारे कंट्रोल्स प्रयोग लिए एक ही मिट्टी है एक ही बीज है तो आप देख सकते कितना बड़ा डिफरेंस है कि गौ कृपा अमृतम डाला है उसके अंदर आप देख सकते कितना डिफरेंस है आप देख रहे हो गेहूं के प्लॉट से अलग अलग वैसी चने के अंदर प्रयोग किया वैसे ही अलग अलग क्रॉप्स के अंदर किया तो अनमेच परिणाम है तो मैं किसानों को वही बोलूंगा कि आपके खेत में भी आप जो पद्धति को बिलीव करते हैं उनके छोटे छोटे प्लॉट बना के अनुभव कीजिए है ना जो बोल रहा हूं हाँ लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ठीक से करना है जैसे आपको यूरिया दो थैली डालने के लिए बोला है तो कभी आप दे, दिया, दे दिया एक थैली डालते हैं क्या कभी नहीं डालेंगे तीन डाल देंगे शायद तो वैसे हमने जितना गोबर बोला है जितना बैक्टीरिया नीचे बोला है जितना ऊपर बोला है पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना है भले छोटा कीजिए बट उसको न्याय दे कीजिए और वैसे करेंगे तो आपको परिणाम सुंदर मिलेंगे ठीक है ये जो आप देख रहे अलग अलग क्रॉप के हम पैटर्न देख रहे कि ये गेहूं के अंदर कितनी सारी फुटाव आई है ये अप्लाई करने के बाद ये जो देख रहे हैं साढ़े चार फीट का ऊंचा गेहूं है तो ये पूरा गौ कृपा अमृतंग के अंदर अप्लाई किया और ये धीरू भाई करके है इन्होंने चार क्रॉप के ऊपर परिणाम लिया मूंगफुलता है? है वो भी उनके पास घड़ी घड़ी लेने जाना पड़ता है एक अमेरिकन कंपनी साढ़े चार हजार रुपये पांच बैक्टीरिया बेचती है वो भी उनके पास लेना जाना पड़ेगा ये मोर देन सेवेंटी बैक्टीरिया ऐसा वर्ल्ड में कोई प्रोडक्ट नहीं है और वो भी आपके घर पे बनेगा मैं भी अगर नहीं बताता कि ये छाछ और गुड़ से मल्टीपल होता ये तीस पैसे में मुझे घर पे पड़ता और मैं हजारों करोड़ कमा सकता था ऑफर भी आना चालू हो चुके थे पर जब हमने पाया कि इस बैक्टीरिया से गाय पलेगी क्योंकि इस बैक्टीरिया का भोजन कार्बन है गाय देसी चाहिए ही उसको किसान को नॉन प्रोडक्टिव गाय भी फिर इस बैक्टीरिया से किसान बचेगा क्योंकि पंद्रह लाख करोड़ बच सकते भविष्य में जाके इसी बैक्टीरिया से जो भोजन पकेगा वो भोजन से शहरों का स्वास्थ्य अच्छा होगा मन और तन दोनों अगर सात्विक फूड खाने के बाद वो दोनों भी सात्विक हो सकते हैं तो इससे पूरा सृष्टि बदल सकता है तभी हमने गाय के वाड़े में और कुछ संतों से आज भी हमारा आध्यात्मिक और कुछ है कनेक्शन तो हम बात करते हैं कि भाई इससे पूरा समष्टि का अगर भला होना है तो इसका व्यापारीकरण हम नहीं कर सकते तो हमने इसको फ्री देने का मैंने और छोटे भाई ने मिलकर तय किया कि पूरे भारत भर में ये पूरा हम निशुल्क चयन रहेगी प्रशिक्षण भी निशुल्क ये कल्चर भी हम निशुल्क बांटेंगे इसकी पुस्तक भी हम निशुल्क ही बांटेंगे तैयार करके रहो भी तो अगर आपको परिणाम मिल रहा है तो मेरी भी आपसे डिमांड इसकी कीमत एक ही रहेगी आपको परिणाम मिला आपको कम से कम सौ लोगों को फ्री देना है देंगे ना तो बिल्कुल यही गतिविधि धीरू भाई ने की ये सत्ताईसों लोगों को बांट चुके जो धीरू आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और सत्ताइसो लोग ऑलरेडी ये गुजरात के बोटाद के साइड के विस्तार के हैं अमरूद और सभी गेहूं और कपास कपास के अंदर पिंक बॉल का जो इश्यू है इसके द्वारा समाधान हो चुका तो एक्सीलेंट परिणाम है वैसा ही आपको करना है ये जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं वो उत्तर गुजरात के है नेक्स्ट जो आप ये जो हल्दी देख रहे हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र वाशिम महाराष्ट्र के भाई है डॉक्टर पाटिल जी हैं उन्होंने भी चार प्लॉट बनाए मैं नाम में नहीं जाता हूं कि गाय आधारित यह प्लॉट था दूसरा था तीसरा था तो हल्दी के अंदर उन्होंने सोचा कि गौ कृपा मृतम के अंदर अनमैच परिणाम है वो दो हजार किसानों को बांट चुके मेरा वेबिनार भी किया अभी लाइव शिविर भी, भी वहां पे उन्होंने बुक कराई है तो वो बहुत अच्छे से कृषि वैज्ञानिक केंद्र के सभी अधिकारीगण इसमें लग चुके हैं और 2000 किसान को ऑलरेडी उन्होंने चार क्रॉप में परिणाम लेके मुझे डाटा भेजे हैं और सभी जगह पे उत्पादन कहीं पर भी कम नहीं हुआ है तुरंत का तुरंत परिणाम मिला है और हमने लॉकडाउन के पहले चार महीने के अंदर तेरह राज्यों में इकतालीस शिविर करी और साठ हजार किसानों को डायरेक्ट बांट के आए तीन घंटे का हमारा शिविर होता है तो क्या होता है कि किसी का सम्मान वगैरह कुछ नहीं होता है सीधा गाय माता को बत्ती करके आपको सरल पांच चरणों में खेती सिखाना उसके डाटा दिखाना प्रश्नोत्तरी करना सिर्फ पानी पीने की व्यवस्था होती है तो बैक्टीरिया और कागज फ्री बांटना तो एक भी रुपए का व्यवहार किसानों के संग हमें नहीं करना है और जिन किसी को रुचि हम यहां से प्रशिक्षण देंगे आप भी आपके विस्तार में फ्री निशुल्क शिविर कर सकते हैं तो ये डिसेंट्रलाइज करना है किसान किसान से खड़ा होगा क्योंकि तीस पैसे लीटर पड़ता है तो आप सौ लोगों को फ्री देंगे तो भी तीस रुपए में हो जाता है तो दे सकते कि नहीं तो किसान का हाथ ऐसा हो गया हमें ऐसा करना है और इसके बाद होगा और स्पीड हो रही है मित्रों और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं अभी उसके बाद में दूसरे सात राज्यों में गया अभी 20 राज्यों में साढ़े तीन लाख किसान 65 फाइव क्रॉप में परिणाम ले चुके हैं 10 प्रकार की मिट्टी में परिणाम मिल चुका है तो गाय माता ने हमें वापस आने का मौका दिया है समझ जाओ तो हमें मिलकर आगे बढ़ना है ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं वो भी गेहूं के परिणाम है ये आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में उजास भाई पटेल का गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा जहां पे कैपेस्टि डाला जाता है वो एरिया में से एक है चोइला गांव के आजू बाजू तो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं उनका कपास है राइट साइड में आप देख रहे हैं कितना उसमें सुखारा लगा है वो हैवी केमिकल उसके कजिन का ही है कपास कपासमें अस्सी टका खर्चा कम लगा है फिर भी आप देखिए उसका हेल्थ क्या है तो वो अनमेच फर्क है दूसरा ये कपास में जब स्प्रे करते करते बाजू वाले की एक लाइन आप देख रहे हैं पूरी हरी हो चुकी है तो बाजू वाले किसान को बोलना पड़ेगा कि आप डालो नहीं बोलना पड़ता इतना फास्ट परिणाम मिल रहा है ऐसी प्रोडक्ट गौ माता ने दी है तो ये उजास भाई पटेल भी आजू बाजू सभी किसानों को फ्री बांट रहे उनका भी हम धन्यवाद कहते हैं ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड सभी वो, उसी किसान का बाड़ी है उसने नेपियर हाइब्रिड ग्रास डाला हुआ है घास गाय के लिए भरूच के किसान है शिक्षक है खुद तो लेफ्ट साइड में डाला है नेपियर आप देख सकते कितना बड़ा छह फीट का हाइट है और राइट साइड में अप्लाई नहीं किया है उसमें दो फीट से ढाई फीट का हाइट है तो दो गुने ज्यादा से प्रोडक्शन का फर्क है साथ साथ में गुणवत्ता भी बढ़ रही है मित्रों जनरली थर्म रूल क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी डाउन हो जाती है इसके अंदर क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों मेंटेन है क्योंकि नीचे से पोषण मिलता तो 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 क्यों? क्यों, प्रोडक्शन तो मिला साथ में नीचे गोबर का जो गुण था वो बैक्टेरिया ने उसको पहुंचाया तो इसकी पौधे की इम्यूनिटी तो बढ़ी साथ में उसके गुण भी उसके अंदर आए आज क्यों गाय में और मनुष्य में तकलीफ है क्योंकि अन्न खा रहे हैं वो पोषित अन्न नहीं आ रहा है ना साथ में बहुत सारे जहर भी आ रहे हैं तो ये चीज इसके अंदर अप्लाई करके आप परिणाम देख सकते कितना सुंदर है और ये नेमीटोड नेमिटोड के अंदर परिणाम लेना बहुत मुश्किल है नेमीटोड के अंदर भी सुंदर गौ कृपा अमृतम के आधारित परिणाम मिल चुका है ये आप देख रहे कृषि यूनिवर्सिटी में काम करते थे इन्होंने गन्ना दाड़िम और बैंगन तीनों में परिणाम लिया है ये जो देख रहे हैं आप 25 फीट ऊंचा गन्ना है आप साइज देख सकते हैं कांजी बाई का बाड़ी है जेतपुर के बाजू में

और प्रोडक्शन भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी गांठ हैं इसकी तो इतना उत्पादन मिलना खर्चा अस्सी टका से ज्यादा कम हो जाना और गुणवत्ता भी बढ़ना है ना तो ये गाय माता की कृपा है तो जो भी किसान मुझे देख रहे हल्दी की खेती कर रहे हैं वो बिल्कुल उपयोग कर सकते गन्ने की खेती है बिल्कुल उपयोग कर सकते तो गन्ने के अंदर सुंदर परिणाम मिल रहे ये जो आप देख रहे हैं जो घास है सिर्फ दस दिन का है दस दिन के अंदर वो डेढ़ से दो फीट के हाइट ले चुका है है ना तो ये नेपियर हाइब्रिड का वेराइटीज है बहुत सारी उसमें से एक है तो आप डार्क ग्रीन लस्टर देख सकते हैं जनरली क्या होता है घास की जब फुटा होती है ना तो हल्का ग्रीन होता है ये डार्क ग्रीन कलर है आपके सामने दिख रहा है उसकी हेल्थ दिखेगी आपको पौधे के साथ बात कर सकते हैं आप ये जो गन्ना है आप देख रहे हैं यूपी का गन्ना है यूपी के अंदर धान के अंदर चावल के अंदर हरदा नाम का रोग आता है तो वहां पे आनंद जी और दीपक जी गौड़ लेके गए थे और उनके द्वारा जिन किसानों को बांटा गया वहां पे हरदा नाम का रोग आया ही नहीं वहां पे कृषि अधिकारी चेक कर रहे हैं क्या हो क्या हुआ है अभी आनंद जी को अवार्ड मिल रहा है पूरा जिले का तो आनंद जी धन्यवाद कि आप लोग ये फ्री बांट रहे और ये मुहिम से जुड़ रहे हैं तो आप इनका गन्ना भी देख सकते हैं उनका धान भी बहुत अच्छे से परिणाम मिला है ये जो आप किला देख रहे हैं जनरली 15 किलो से 25 किलो की लूम आती है भरूच साइड का फोटो है और ये आप देख रहे हैं 30 से लेके 55 किलो की किलो की लूम आई है वही चीज हमने कर्नाटक में पाई वही तेलंगाना में पाई तो उत्पादन भी बढ़ा है और ये सैलाइन लैंड में परिणाम मिला है मित्रों जहां पर आ, कुछ जगह पे हमने तीन हजार टी के पानी के अंदर भी परिणाम मिलना चालू हुआ है गाय का गोबर की स्लरी और ये बैक्टेरिया अप्लाई किया तो परिणाम मिलना अलग बनना चालू हो गया है तो केले के अंदर जिन जिन किसानों ने जो जो वेरायटी में डाला है सब वेरायटी के अंदर परिणाम मिला है मित्रों ये अजवाइन आप देख रहे हैं अजवाइन के अंदर परिणाम है जो सुरेंद्र नगर है नगर, ये आप जो मिर्ची देख रहे हैं आप मिर्ची का हाल देखिए मध्य प्रदेश और काफी गुजरात में लोगों ने मिर्ची की खेती छोड़ दी क्योंकि वो जो रोग आता है पच्चीस हजार लीटर दवाई डालने के बाद भी नहीं जाता है तो ये तीस पैसे में हो गया आप देख सकते कितनी बड़ी मात्रा में मिर्ची ये पौधे के अंदर बैठी हुई है उसका पौधे का आप कलर देख सकते कितना लस्टर ग्रीन है और उसका एक भी पत्ता आपको बीमार नहीं दिखेगा है ना तो मिर्ची की खेती जो कर सकते वो बिल्कुल इसको उपयोग करके प्रयोग करे और बहुत अच्छे से परिणाम अच्छे अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने भी इसको उपयोग करके कृषि यूनिवर्सिटी में देखा है और उन्होंने सुंदर परिणाम पाया है ये आप आम का खेत देख सकते हैं गुजरात कच्छ का है अनमेस्ड बोलते हमारी जिंदगी में कच्छ में कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में वो मोर नहीं बैठा है जो मोर मतलब उसके फ्लावरिंग वगैरह आम के आप इस पौधे का देख सकते हो और पूरी बाड़ी उन्होंने क्या किया था पहले आधे में ही अप्लाई किया था आधे में नहीं किया था तो आधे में उसने अनमैच परिणाम देखा तुरंत पूरा चालू कर दिया बोलते हमारी उनके खेत अभी आजू बाजू के सब देखने आ रहे हैं और जीतू भाई लोगों को फ्री बांट रहे ऑलरेडी तो जीतू भाई का आप आम के बागान का आप देख सकते कि वीडियोज और ये क्लिप्स कितने अच्छे है और इसकी वीडियोज भी हमारी चैनल पे होगी और इस चैनल पर भी हम पास पासवन करेंगे उन्होंने देखी कितनी बड़ी टैंके बनाई तीस हजार लीटर की बैक्टीरिया की टैंक बनाई है

और ये देख रहे हैं आप ड्रैगन फ्रूट उसके अंदर सुंदर परिणाम मिला उत्तर गुजरात के अंदर ये आप ककड़ी देख रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि करमदा ये जामुन जहाँ सात साल से कम बैठ रहे थे वहां पर बैठना चालू हुआ ये लड़का विदेश जाने वाला था उसका वीजा और टिकट हो चुका था लेकिन जब उसने एक शिविर हमारी अटेंड की उसका भाव जगा तो उसने अप्लाई करके देखा बोलते इसमें तो परिणाम है अभी घर पे गाय लेकर के आ गए हैं वो सब टिकट कैंसिल कर दिया अभी विदेश नहीं जाना है और खुद खेती कर रहा है, जुड़ चुके है। Actually, देखो, भारत में पैसा केमिकल में ही जाता है यूरिया और पेस्टिसाइड में इसके द्वारा अस्सी खर्चा बचेगा और स्वाभिमान से दो हमको आगे का दर्शन में आपको बता देता हूं अभी हम एक गाय एक एकड़ बता रहे भविष्य में दो गाय एक एकड़ फिर तीन के कर हमें सात्विक तरीके से किसान को अपलिफ्ट करना है विकृत तरीके तो बहुत है लेकिन सात्विक तरीके से कोई हजार में से एक जन सक्सेस होता है, है ना वो गांव का राजा है अपने खेत का स्वाभिमान से उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ जो नौकरी बोली थी उसको आज के लोग उल्टा करने का प्रयत्न कर रहे तो वो हमें सीधा करना है और इसके द्वारा होगा क्योंकि वो राजा है शहर में आके वो कितनी भी पूरी जिंदगी कमाए खोली जैसा घर होगा बाकी कुछ नहीं होगा बीमारी का घर हो जाएगा और अगली पीढ़ी ना उसकी शहर की रहेगी ना गांव की रहेगी तो उसको तकलीफ होने वाली दिखावे की जिंदगी में जा रहे तो असल जिंदगी उसकी गांव में है वो अच्छा प्रकृति का काम कर रहा है अन्न पका रहा है लोगों को खाना खिला रहा है प्रकृति को चला रहे तो इसीलिए उत्तम खेती जो बोली थी वो वापिस इसके द्वारा हम करेंगे दो एकड़ में से पांच एकड़ का उत्पादन वो भी शुद्ध सात्विक तरीके से गाय आधारित होगा तो मित्रों इस मुहिम में जुड़ने के लिए मैं आपको आह्वान करता हूं और आप इसको उपयोग करिए ऐसे ही मत करिए अनुभव कीजिए जो मैं बोल रहा हूं और इसके द्वारा ये होगा जैसे ये बच्चा रुक गया है गांव में वैसे काफी लोग रुक चुके हैं और बड़ी मात्रा में कार्य हो रहा है ये जो देख रहे हैं सफेद कांदा उसके अंदर गुरुकुल के बच्चों ने उगाया हमारे गुरुकुल में अभी से बच्चे खेती करते हैं ये छोटे छोटे बच्चे अगर ऐसा कांदा उगा रहे तो ऐसा हम सोच नहीं सकते कि आठ से बारह साल के बच्चों ने ये खेती करी तो बड़े कोई भी कर सकते हैं ये जो आप देख रहे अमृत का जो पेड़ है वो छह साल से गाय आधारित खेती करते थे बट नेमिटोड आया तो उसने छह एजेंसी बदल दी परिणाम नहीं था लेकिन जैसे अप्लाई किया आप देख सकते कि पंद्रह दिन में पूरा अमृत का पेड़ बदल चुका है तो आप सोच नहीं सकते ऐसे परिणाम इसके अंदर मिलना चालू हुआ है और अमृत के अंदर क्या होता है कि पांच अमृत बैठते चार बैठते एक या दो रहते बाकी गिर जाते हैं लेकिन ये जैसे अप्लाई करते हैं एक या दो ही गिरते बाकी रह जाते हैं तो मिठास भी बदल गई उसकी टेंडेंसी भी बदल गई प्रोडक्शन भी बढ़ा और उत्पादन भी खर्च भी बढ़ कम हो गया ऐसे ही वाटरमेलन के अंदर चार एप्लीकेशन अलग अलग किए जहां ये अप्लाई हुआ उसकी मिठास भी बढ़ी और उत्पादन भी बढ़ा तो इसीलिए किसान बहुत खुश है ये टिंडे के अंदर परिणाम है ये गोभी फ्लावर जो दुनिया के सबसे ज्यादा जटिल क्रॉप में से आता है ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स के अंदर डलता है लेकिन आप देख सकते हैं कि ये प्रवीण भाई पटेल करके है तेनपुर गांव से है आप देख सकते हैं गोभी फ्लावर का हेल्थ क्या है इनका एक्सीलेंट परिणाम मिलता है इसके अंदर जो इनके राइट साइड में खड़े है उनका नाम शशिकांत भाई पटेल है वो तीस गांव में केमिकल के लिए फेमस थे कि, कि किसी किसान को केमिकल को पेस्टिसाइड डालना है तो उनको पूछते थे अच्छे व्यक्ति थे सबको सलाह भी देते थे लेकिन उनको पहले श्रद्धा बैठी जब उसकी मिर्ची में परिणाम मिला फिर बोलते गोपाल भाई आलू में होगा उनका बहुत टेक्निकल था। और किसान भी ऐसे सकते हमको सोच नहीं था कि बोलते आपने बोला में से आएगा कहां से है ना किसान से अपेक्षा नहीं रख सकते थे और हमने बोला कि एक रास्ता है तीन फीट नीचे पूरे भारत में सब जगह पे सब माइक्रोन्यूट्रिशन सब मिट्टी के अंदर है पूरे भारत भर में ये भगवान की देन है तो इसमें केचुआ पैदा होगा और कुछ बैक्टीरिया उसको उपलब्ध कराएंगे ऐसी हमें संभावना दिख रही है तो आप एक साथ में मत करो पहले छोटा प्रयोग करो तो उसने फिर भी एक बिघे में सीधा प्रयोग कर लिया लेकिन आप देख सकते कि सीधा के सीधा कैसा परिणाम उनको प्रवीण भाई को और शशिकांत भाई को मिला पहली सीजन की अनमेच परिणाम मिला 90 डेज का क्रॉप 65 डेज में उसको पैसा ज़्यादा मिला उसने निकाल के बेचा है तो आप देख सकते कितने सुंदर परिणाम है और ये जवारी के अंदर परिणाम आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि आलू का क्या परिणाम है साथ में ये एरंडी है जो पांच से आठ फीट की होती है उसकी जगह पे सीधी पंद्रह फीट की हो गई तो पहली सीजन में इसको परिणाम मिला है ये पालक के पत्ते आप देख सकते हैं साइज इसका दो फीट ऊंचा पालक के पत्ते हैं पालक इतना बड़ा देखा है कभी तो किसान हिल गए ये बच्चों ने उगाया आठ से बारह साल के बच्चों ने कि ये पालक की ये साइज जनरली होती नहीं पालक के बीज भी जनरली एक से डेढ़ फीट तक जाते हैं इसमें छह फीट पहले साल में क्या हुआ दो से तीन फीट हुए फिर पांच फीट हुए ये तीसरी साल बीज भी अच्छा उसको डेवलप कर रहा है खुद को अभी छह से आठ फीट ऊंचे बीज हुए है पालक के बीज की डंडी तो मतलब बीज भी सुधर रहा है साथ में और पालक इतना बड़ा होने के बावजूद भी जूसी आप गन्ने के जैसे इसको चूस के खा सकते हैं उसकी डंठल और फाइबरस नहीं है अभी भी वो एकदम अच्छे से दो पालक से पूरा घर का सब्जी बन जाता है तो देसी बीज में ही इतना अच्छा उत्पादन आ सकता है तो मित्रों आप इस पे कार्य कर सकते हैं ये देख सकते हैं आप करेले के अंदर परिणाम है ये बीट जो बच्चों ने उगाया जो बेटा साथ में खड़ा है आ, उसने गुरुकुल में बच्चों ने किया साढ़े तीन सौ ग्राम से साढ़े चार किलो के रेड बीट हुए है ना और ये इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन बच्चे कर सकते तो कोई भी किसान कर सकता है ये बीट का आप फोटो देख सकते कितना बड़ा बीट है ये मेथी और गाजर बच्चों ने उगाए हैं ये पपीते के अंदर परिणाम है ये आप देख सकते हैं कि हम लोग ने अभी नक्षत्र वन के ऊपर काम कर रहे हैं कि नक्षत्र मतलब क्या है कि कौन सी दिशा में कौन सा वृक्ष लगाना उसका क्या गुण है तो वास्तुशास्त्र का भी उसमें काम हो जाता है अगर उतना नहीं कर सकते तो नव नव वृक्ष ग्रह के लगा दीजिए उसका हम एक छोटा पुस्तिका बना रहे कि पांच सरल चरणों में खेती फिर ये दस कुछ वृक्षों से या बेल से आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा आपको देशी गाय क्यों चयन करनी है देशी गाय का गोबर और छाछ क्यों लगेगी खेत में उसके सारे वैज्ञानिक आधार भी रहेंगे और सांस्कृतिक आधार भी रहेंगे साथ में उस गाय का इलाज क्या जैसे गाय जब पीछा दिखाती है प्रोलेप्स केसेस हो जाते बहुत पीड़ा होती है और बहुत पीड़ादायक मृत्यु भी होता है तो बड़की बढ़वाई आती है उसको दूध में कूट के कच्चे दूध में पिला दो अपने आप प्रोलेप्स का बहुत सारा अच्छा समाधान है तो एक रोग के दस दस इलाज वैसे हम लोग ने गायों के रोगों को वर्गीकृत करके सिंपल चरणों में जो हमने पाया है उसको हम लोग आपको एक्सट्रैक्ट देने का प्रयत्न कर रहे हैं वैसे ही गौमूत्र कब सेवन करना पित वाले है, तो पित वाले पीएंगे, तो 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 पिएंगे उसके बढ़ सकते हैं उसको कैसे सेवन करना कौन सा समय करना है दूध कैसे पीना तो ये सब चीज को इसमें पुस्तक में लेकर के भाई सिंपल कुछ चरणों में ही आपकी स्वास्थ्य घर पे ठीक हो जाए किसानों की तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका शरीर पहले ठीक रहे पहला सुख जो बोलते है वो हेल्थ को ही बोलते स्वास्थ्य को ही बोलते हैं तो बिल्कुल ये गाय कर सकती है और किसी की क्षमता नहीं है दुनिया में चाहे उसके द्वारा पका हुआ अन्न हो चाहे उसका पंचगव्य का सेवन हो दूध का सेवन हो संपूर्ण आहार दूध को बोला है जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि भगत सिंह भाई है वो सात साल से दूध के ऊपर ही है कभी भी हमने संतों ने फोर्स किया तो वो फराल वगैरह लेते बाकी दूध ही लेते कच्चा दूध कच्चा दूध धारोषण जो तंदुरुस्त गाय का लेते वो संपूर्ण आहार बोला ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरे एक मित्र है सोलह साल से दूध के ऊपर है कच्चे सवेरे एक लोटा पीते शाम को एक लोटा पीते उसका जब भी ब्लड टेस्ट करो हमारे से भी नॉर्मल आएगा कभी भोजन नहीं लेते हैं और हमारे से भी ज्यादा मेहनत करते दौड़ते हैं तो आयुर्वेद में पांच हजार नहीं बहुत साल हजार साल पहले ये कुछ बोल के गए हैं और आंवला ऐसा है तो ऐसा ही निकलेगा और गन्ना का विषय में बोलेंगे तो गन्ना का जो उसका ये गुण है गुरु है गुड़ बनेगा तो अलग बनेगा अगर मिश्री बना तो उसका गुण अलग रहेगा गुड़ गर्म है लेकिन चाहे छह घंटा पानी में भिगो दिया तो ठंडक प्रकृति हो जाएगा कितना डिटेलिंग साधना में जाके किया हुआ है कौन सा उनके पास साइंस था कौन सी लैब थी आज भी शाश्वत वो बातें सही हो रही है तो मैं ये कहता हूं कि हमारे पास मौका है कि आधुनिक विज्ञान और पुराना दोनों अगर समन्वय करके हम भारतीय पूरे विश्व को नया गिफ्ट दे सकते हैं ना सबको मिलके वेदों में भी बोला अच्छी हवा ने दो मतलब हमें अच्छी चीजों का परहेज भी नहीं करना है ड्रिप अच्छा है कम पानी में खेती है तो स्वीकार भी करना है तो खुले मन से हम पुराना और नया को समन्वय करके बहुत कुछ कर सकते किसान तो इसी बुक में हम लोग आगे लेके जाते हैं कि ये बुक के अंदर भी हम लोग आगे सवेरे से शाम को आपको उपयोग होने वाली प्रोडक्ट कैसे बनाना जैसे प्रोडक्ट बनाना और विरुद्ध आहार को समझना कि कि बहुत अच्छे से आयुर्वेद में में वर्णित है ये 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 सीजन खाना खाना नहीं सवेरे ये करना ये नहीं करना तो हम लोग ने ऋतु काल के हिसाब से दे दिया आप देख सकते हैं उसके बाद में कि क्या करना तो चार्ट लगा के रखना है कि ये महीने में ये सब्जी खरीदना ये नहीं करना है ये करना है ये नहीं करना है तो अपने आप आपके काफी प्रश्नों के समाधान हो जाएंगे तो देखो हम लोग शुगर फ्री के नाम पे अंजीर और खजूर कैसे मिक्स बना के फिर स्वीट खाते हैं तो उसमें कोल्ड होने की संभावना होती है तो हमें पता ही नहीं है हम बटर के नाम पे मस्का खाओ मस्का खाओ पूरी सब चल रही है लेकिन बटर के अंदर जब हम सोल्ट मिला के सब मस्का बिकता है तो स्किन के लिए सबसे बड़ा बुरा चीज है विरुद्ध आहार है वो हमारे गुरुकुल के आठ से दस साल के बच्चे भी घर पे जाके माँ को बोलते हैं माँ ये दोनों मिक्स मत करो चमड़ी का रोग हो जाएगा है ना स्किन का डिजीज हो जाएगा तो क्या खाना नहीं खाना वर्णित है बहुत हजारों साल पहले तो हम उसका आधार लेना चाहिए और उसको समन्वय करके गांव से लेकर शहर में पुस्तिका फ्री बांटने का हमने तय किया था और शाम को उपयोग करो अभी गांव में शहर वाली कंपनी क्यों बेच के जाए मेरा चौबीसवा साल चल रहा है मैं साबु नहीं कर रहा हूं गोबर का पाउडर होता है कुछ उपटन बना के घर पे ना लेते अच्छा चलता है उल्टा तो गांव में क्यों जरूरत है आपको आप देखो जब आप ऑयल लगाते तो पचास अंदर उतर जाता है कि नहीं वैसे आप साबु और शैंपू लगाएंगे स्किन के ऊपर तो अंदर उतरेगा कि नहीं तो आप ये सब छिद्रों में से टॉक्सिक निकलने के बजाय आप टॉक्सिक डाल रहे हो क्रीम वगैरह केमिकल के स्वरूप में अंदर डाल रहे हो भले ऊपर से स्किन अच्छी दिख जाए लेकिन अंदर से सब बुरा ही बुरा होना है धीरे धीरे तो आपको उपटन से नहाना है तेल लगाना है आपके घर पे ही सारा समाधान है एक एक छिद्र से टॉक्सिक निकलना चाहिए अंदर से सुंदरता डेवलप होनी चाहिए अंदर से स्वास्थ्य डेवलप होना चाहिए और सवेरे से शाम तक आप घर पे ये कर सकते हो गोबर से आप जब नहाते हो तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी आपकी एंटी डेवलप हो जाती है एंटीबॉडी हो जाती है तो गोबर से नहाना गौमूत्र से नहाना आपकी और ढाई सौ से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य जुड़े हुए जुड़े बहुत संतों का आशीर्वाद है और हमारे गुरु जो रहते थे हिमालय मेरा नाम उन्होंने रखा है राशि के ऊपर से नहीं है बहुत ईश्वर के नजदीक थे वो तो मेरा जो भी आपको कुछ भी दिख रहा है मैं चौदह साल पहले मुंबई था और गुरु जी का स्पष्ट आदेश था कि गाय और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रह सकता है तो बचपन से ये था तो जब संजोग बने आकर के कुछ प्रयोग करके कह सकते तो यहाँ पे आगे प्रयोग शुरू किया जो अच्छा लगता है वो लोगों को सिखाते हैं या बांटने का प्रयत्न करते हैं तो जो भी कुछ हमारा अच्छा दिख रहा है या आपको गौ कृपा अमृतम भी मुहिम दिख रहा है वो सारा मोमेंटम जो गायों का चल रहा है वो हमारे गुरु गोविंद मतलब श्री कृष्ण भगवान और गौ माता तीनों ने निमित्त बनाया भाग्यशाली हमारा कुछ नहीं है शायद बुरा होगा वो हमारा होगा ये वास्तविकता है तो ये भगवान ने मौका दिया है वापस आने को किसान के लिए वापस आना चाहिए फिर अगर आपको समझ लीजिए मंजन करना है तो गोबर के उबले से आप जो राख है उसको कपड़ा छान करना है बड़ा पार्टिकल्स रहे तो एनिमल घिस जाएगा तो कैसे करना है उसका पद्धति है और हम आपको दे रहे हैं पुस्तक में और वैसे ही अगर पुरुष है उनको शेविंग करना है तो दही लगा के करो एलोवेरा लगा के करो कहाँ आपको शेविंग क्रीम खरीदने की जरूरत है तो गांव में वो शहर वाले पैसे नहीं लेके जाने चाहिए आप खुद और अच्छा होता है मॉइस्चराइज क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्रों आपको तो ये हकीकत में जो मैं बोल रहा हूं आप करके देखो दो दिन दही से दाढ़ी आप तुरंत पता चलेगा कैसी होती है है ना तो ये कुछ भी चीज मैं हवा में चर्चा नहीं कर रहा हूं करके बोल रहा हूँ और आपको भी करके देखना है तो ये पुस्तक हमने सोचा कि 150-200 पत्ती की फ्री बांटेंगे गौ कृपा अमृतम के साथ किसानों के साथ या किसी ज्ञान का हमको ये प्रकार के आर्थिक व्यवहार नहीं करना है तो दस हजार पुस्तक हमने सोची तो कुछ मध्य प्रदेश की संस्था बोले हम हमारे गांव में फ्री बांटेंगे महाराष्ट्र के कुछ बोले हमारे गांव में फ्री बांटेंगे कर्नाटक से राजेश्वर राव जी और उन्होंने बोला हम हमारे विस्तार में कुछ फ्री बांटेंगे 79,000 पुस्तक का ऑर्डर आ चुका है सब फ्री बटेगी एक भी रुपए का किसी का साथ व्यवहार नहीं होगा तो ये मुहिम को हमें व्यवहार में उतारना है जमीन के अंदर और पूरा निशुल्क प्रशिक्षण रहेगा निःशुल्क बैक्टेरिया बटेगा और किसान किसान को मदद करके खड़ा हो जाएगा केंद्र में रहेगा सिर्फ गौ माता मैं भी कार्य करता हूं आप भी कार्य करता है कोई पद नहीं रहेगा किसी को भी पद की लालच है तो ये मुहिम में मत जुड़ना आप किसान की किसान के द्वारा भलाई करके सब घर, खड़े हो जाओ और आपको परिणाम मिलता है तो सबसे पहले आपको आपके दुश्मन को देना है इतना बड़ा दिल रखना है कि जाना तो गाय और मिट्टी के लिए जाना है ठीक है ना तो ये सब फ्री बांटना है आजू बाजू के पड़ोसी को पहले बांटो तो उनकी जो पेस्टिसाइड है वो उठ के हमारे उधर नहीं आएगी दुश्मन को बांटो उसकी और हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगी तो इतना बड़ा दिल रख के जाओ मैं इसीलिए ये आपके माध्यम से सबको बोलना चाह रहा हूं कि ये मुहिम पूरी निशुल्क चलेगी एक दूसरे को साथ में लेके चलेगी देश को नव निर्माण की तरफ लेके चलेगी और सात्विक अन्न से लेकर के सात्विक मन होगा तो गाय माता का ये तो एक सिर्फ मैंने खेती का विषय लिया है लेकिन मैं आप सोच नहीं सकते ऐसे परिणाम और भी मिल सकते जैसे अभी हमारी 170 से ज़्यादा शिविर की नोंदी आप फोटो पे देख सकते हैं कि कितनी सारी शिविर हमने करी है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने किए हैं कार्यक्रम और ये जो देख रहे हैं आपने कर्नाटक में एक जगह पे शादी में रिसेप्शन के अंदर रिटर्न गिफ्ट में गौकृपाम बांटा गया है तो ये किसान की जागृति है और वैसे ही आप देख रहे दो संत भी शिविर ले रहे हैं ये आप देख रहे बहुत सारे संतों ने शिविर लेना चालू किया है और पूरा हम सबको आह्वान करते जिनको सीखना आइए हम प्रशिक्षण देंगे आपको आप भी आगे प्रशिक्षण कीजिए पूरी चेन बना करके पूरे भारत को केमिकल फ्री करके गाय आधारित वापस नव निर्माण हम करेंगे और ये आप देख रहे हम लोग ने ये स्वामी समर्थ है उनके पचास लाख किसान फॉलोअर्स हैं उन्होंने 2500 किसान पे गए साल प्रयोग लिया था बोलते हमने अनमे परिणाम ऐसा कभी नहीं देखा उन्होंने 50 लाख किसानों को फ्री देने के लिए प्लानिंग किया है अगले दो साल में ये जो आप देख रहे हैं कनेरी मठ के स्वामी जी कार सिद्धेश्वर जी उनके लगभग एक लाख किसानों को फ्री बांट चुके हैं ये जो आप देख रहे हैं राजेश्वर राव जी कर्नाटक से उन्होंने बहुत अच्छे से किसानों के साथ मिल करके एक वेबिनार किया यहाँ से गाड़ी भेजी और एक हजार वॉलेंटियर्स तैयार हो गए और एक लाख लोगों को बांट चुके हैं तो पूरी मुहिम नीचे चल रही है तो मेरी ये जिन किसान को देख रहे जा जो भी देख रहे शहर वाले उनको भी मैं आह्वान करूंगा आपके गांव से किसानों को भेज सकते हैं यहाँ पे एक भी पैसे का व्यवहार नहीं आप भी सीखिए आपके गांव के प्रति का आप फर्ज़ अदा कीजिए और हम लोग वापस खड़े होंगे नहीं तो अगली जनरेशन को टिकाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो बहुत सारे रोग आ रहे हैं तो हम सोच नहीं सकते ऐसी तकलीफें भविष्य के आने वाली इनफर्टिलिटी से लेके बहुत सारी समस्याएं नई जनरेशन में जूझ रही है तो नई जनरेशन को हमें दिखाना है कि राह दिखानी पड़ेगी कि सच्चा सुख किस में है है ना सिर्फ अर्थ उपार्जन में नहीं है सिर्फ डिग्रीज के अंदर नहीं है सब सिर्फ हम सो so कॉल्ड जो हम बता रहे हैं कि ये हाई सोसाइटी है उसके अंदर नहीं है उसको दो लाइन में मैं बता दूँ तो उसके पास अब जो रुपये हो तो भी उसके पैर जमीन के ऊपर होने चाहिए उसके पास कुछ भी ना हो लुट लो तो भी उसका आनंद लुटना नहीं चाहिए तो उनकी जो मन की स्थिति कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ का मतलब है पल पल में धर्म करे न्याय करे किसी के साथ हमें गलत नहीं करना है पूरे विश्व के साथ न प्रकृति के साथ करना है जब ये मानसिकता उसके अंदर आ गई ना तो अपने आप उसका आनंद अंदर से होने लगता है आप देख सकते हैं रामलीला में भी हम बांट के आए थे या आप देख सकते हैं इंदौर कृषि यूनिवर्सिटी में हम लोग का एक कार्यक्रम था ये कथा में तीन जगह पे हमको पूर्णवि में दो घंटे अलॉट हुए थे वहां पर भी बांट के आए ये रायपुर कृषि यूनिवर्सिटी है ये इंदौर कृषि यूनिवर्सिटी है ये जीवन विद्या है ये आत्मा का विभाग है ये दूसरा तीन किसानों का एक कार्यक्रम था ये पेड़ के नीचे भी हम लोग शिविर करते हैं और ये संघ के कार्यक्रम में हम बांट के आए थे ये 2000 किसान का दूसरा एक कार्यक्रम था लेकिन ये सिलसिला तो कुछ भी नहीं है आपको हर एक जगह पे ये मुहिम चलानी है और वैसा ही स्वास्थ्य की मुहिम है देखो हमारे यहाँ पे टोटल साढ़े छह सौ गौ माता हैं और किसी गाय को बांधा नहीं जाता है सवेरे घूमने जाती है फिर आके भरा रखते है गाय को खाने के लिए तो गाय तय करती है कब खाना कितना खाना हमने जब गौशाला शुरू की तो ऐसी करनी थी कि जिसको तकलीफ ना हो कम से कम तकलीफ हो गौ माता को वैसी गौशाला हो तो गाय तय करती कब खाना कितना खाना कितना पानी के हवाड़े खुले होते है जिस गौ माता को नाम बोलते दूध देने के लिए बाहर आती है उनको लेने नहीं जाते हम दस दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वो बाहर आता है तो ईश्वरी तत्व दस, दस दिन के बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग देंगे नहीं दे सकते कभी तो ये ईश्वरी तत्व है दुनिया में सवा तीन बच्चे की एवरेज है भारत में लगभग पांच बच्चे की एवरेज है हमारे यहाँ पे सोलह या पंद्रह बच्चे देने के बाद भी गौ माता परफॉर्म कर रही है और अच्छे लेवल का वो पूरे वर्ल्ड में ऐसा जिनपुल नहीं है कि पंद्रह बच्चे देने के बाद भी बीस लीटर से ज्यादा पिक फील्ड में जाना है ना ऐसा जैसे ये मैं गिर का वर्णन कर रहा हूं आपको आपकी माता को संभालना है जब उसको अच्छा डीएनए डेवलप करते जाएंगे अच्छा भोजन उसको उपलब्ध कराएंगे तो अपने आप वो बदलती है दो आंचल ही हम दो होते हैं दो बच्चे के लिए देते हैं दोहन का पद्धति था हजारों साल से भारत के अंदर आजादी के पहले पूरे भारत में पचास टका दूध बच्चे को पिलाया जाता था बाद में का दूध हम उपयोग करते थे वही पद्धति हम फॉलो कर रहे हैं है ना तो साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा कि गिर हम रख रहे तो सबको गिर के पीछे नहीं जाना है भारत में बहुत सारी नस्लें थी जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तो वो जिसका बनी हुई घटना ही बताता हूँ कि दक्षिण महाराष्ट्र से संगमनेर से प्रशांत जी करके आए थे बोलते गोपाल भाई कौन से भी प्राइज में हमको गिर दे दो आपके जैसे सेवा करेंगे गाय रखना है सेवा करने तो आपकी नस्ल की कीजिए उसने हजारों साल आपको पाला है बोलते नहीं नहीं बात तो सही लेकिन छोटी है डेढ़ लीटर दूध देती है कैसे इकोनॉमी होगी देखो मनुष्य के अंदर कमी है उसके अंदर कमी नहीं है उसको अच्छा भोजन दो मेरी सिस्टम से हम बोलेंगे कि क्या खिलाना कैसे रखना बांधना नहीं है क्यों नहीं बांधना है उसका मानसिक स्थिति कैसे ठीक करना है गाय का भी तो उन्होंने किया और आश्चर्य वो अच्छे व्यक्ति थे उन्होंने दस गाय पे प्रयोग किया एक ही साल में वही डेढ़ की डेढ़ लीटर देने वाली गाय सभी चार लीटर पे चलेगी डांगी गाय खाना कितना खाया गिर के सामने तीस टका एक गिर में वो तीन पल गई का मिलके बारह लीटर दूध हो गया गिर के पूरे गुजरात की एवरेज है आठ से दस लीटर तो उससे भी आगे चली गई गिर को आंचल के रोग है मस्टेडाइस की तकलीफ है उसको नहीं है गिर को प्रोलेप्स केसेज है उसको नहीं है तो हमें टोटल खर्चा इकोनॉमिक्स तो देखना पड़ेगा ना तो वो आगे ही है ऐसी बीस नस्ल पे काम चालू कर रहा है सभी माता गौ माता है अच्छी है कमी है तो मनुष्य के अंदर ही कमी है है ना विदेशी गाय के हम डोले भर भर के दूधे दिखाते हैं लेकिन कितना खाया वो कभी दिखाया क्या उसके दूध की गुणवत्ता क्या है वो कभी दिखाया क्या नहीं सब पैरामीटर्स का एनालिसिस होना चाहिए अगर हम साइंस की बात कर रहे तो उसका साइंस का एनालिसिस होकर इंट्रोड्यूस होना चाहिए था ना वहां पे क्यों साइंस नहीं बताया तो मैं वैज्ञानिक और सभी लोगों को भी आह्वान करता हूँ कि हम कुछ भी चीज साइंस की करें तो भी पुरानी चीज में साइंस ढूंढे और उसको अपलिफ्ट करें तो शाश्वत विकास होगा देखो आजादी के समय सौ थी अभी कुछ चालीस बच्ची है बाकी का एक नंग भी शायद नहीं बचा है अभी जो है उसको बचा लेना है नहीं तो हमें गाय बचा रही है वो अगर हमारा साथ छोड़ के गई तो हमें दिक्कत आ जाएगी वैसे भी गिर गुजरात से बाहर गई अस्सी टका गौशाएं फेल है है ना उसके वातावरण के मध्य प्रदेश सटा हुआ प्रदेश है राजस्थान मध्य महाराष्ट्र तीनों जगह पर शेप अलग अलग हो गए ब्राजील में भी नए काम की अस्सी टका गाय काट देते पूरा पिक्चर वो नहीं दिखाएंगे आपको तो एक्चुअली सफलता का आधार पूरा पैरामीटर तो हमें हमारी स्थानीय माता को स्थानी को बचाना बचाना है है स्थानीय बीजों जैसे ये आप फोटो पे देख रहे जवारी का हाइट देखिए तेरा फीट ऊंचा जवारी है और तेरह फीट ऊंचा जवारी दाना बाहर बेचा तो देसी बीज में जो हाइट आती थी बाकी का पत्ता गाय को खाने को मिलता था तो खुटेगा नहीं तो हमारे देसी बीज जो अच्छे जो प्रोडक्शन अच्छी दे सकते उसको हमें संभाल के रखना चाहिए तो वैसे ही गायों की ब्रीड के विषय में है ऐसा ही सभी विषय के अंदर है वैसे ही देसी बीज के अंदर है शायद हम कितना भी बात करें खत्म नहीं होगा लेकिन हमने जो गायों का कार्य किया उसके अंदर हर एक वाड़े के अंदर अलग अलग नंदी होते इसकी बे बेटी उस वाड़े में जाएगी इसकी बच्चिया उस वाड़े में जाएगी न इन ब्रिड होगा न क्रॉस ब्रिड होगा अगर उस हिसाब से होता है तो डीएनए ऑलवेज सुपीरियर होता जाएगा और वो डीएनए आगे उनको रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाएगा है ना तो हर गाँव में पहले नंदी होता था वो नंदी तीन साल के बाद दूसरे गांव में चला जाता था क्यों क्योंकि उसकी बहन या उसकी बेटी उसमें लग जाएगी फिर भविष्य में जा करके, उसकी बेटी लगेगी तो वो नहीं हो सकता है वो डीएनए हो जाएगा तो कितने आगे थे हमारे पूर्वज कुछ विषयों में तो वो समन्वय करके चलना है पुरानों में भी हमें अतिरेक नहीं करना है जो चीज गड़बड़ है उसको हटाओ क्योंकि काफी मिलावट भी हुई हजार साल के गुलामी काल के अंदर तो हमें हमारा शाश्वत विकास अच्छा चीज है क्योंकि काफी शास्त्र हमारे बदले गए हैं और हमें झगड़ा भी करवा रहे हैं तो हमें इतना भी समझना पड़ेगा कि विवेकपूर्ण आधुनिक युगानुकूल में हमें क्या जरूरत है सनातन परंपरा या कुछ भी विषय के अंदर हमको समन्वय लेके चलना है चाहे कृषि की बात हो चाहे धर्म की बात हो चाहे भारतीय एकता की बात हो चाहे पूरे विश्व की बात हो तो नए सिले से नए दर्शन लेके हमको चलना पड़ेगा शायद बहुत आज मैंने कुछ थोड़ा विषयांतर भी हुआ है लेकिन कुछ जरूरी बातें थी और गाय आधारित औषधि की मैं बात करूं तो हम लास्ट में एक बात बता देता हूं कि गौ माता क्या कर सकती है तो जो मैंने 5100 हज़ार एक सौ कंपाउंड गौमूत्र में पाए थे उसकी हमने कंसंट्रेट करके कैप्सूल फॉर्म में गौमूत्र को लिया है और जीएमपी लाइसेंस के साथ हम 40 मेडिसिन बना रहे उसकी छोटी फार्मेसी बनाई है और चालीस मेडिसिन बनाते दस रोगों में नाइन्टी सक्सेस रेशियो है हमारा तो आ, कोरोना में भी बहुत सुंदर परिणाम मिला अभी इंटरनेशनल जर्नल में हमारा ये लेख लेख छिप एक जगह पे छप गया और दूसरी जगह पे आ रहा है तो बहुत सुंदर कोरोना में भी परिणाम मिले हैं दमा का पंप लगभग एक महीने में ज़्यादातर लोगों को छूट जाता है नी रिप्लेसमेंट जिसको बोला है उसमें भी नाइन्टी परसेंट सक्सेस है बैक नी पेन जिसको तकलीफ है कुछ प्रकार के घी को हम लोग सिद्ध शोधन करते हैं और वो घृत को खाना और लगाना और हम लोग उसको पेट की साफ सफाई करना ताकि उनके शरीर में एब्जॉर्ब की सिस्टम डेवलप हो औषधि भी हम खिलाने से पहले हमारा शरीर में अगर आम बना है तो वो शरीर में क्या करेगा अच्छा खाने के बाद भी वो दिक्कतें पैदा करता है है ना तो अंदर से ठीक हो और गाय आधारित ठीक हो उसके ऊपर हम लोग काफ़ी संशोधन करते हैं और गरीब से लेके बड़ा ले सके ऐसी अलग अलग औषधि की रेंज भी हमने निकाली है जैसे दो चूर्ण है वो लेते ही दूसरे दिन पेट की साफ सफाई चालू हो जाती है एक हफ्ते के अंदर वो एडोप्ट करना चालू कर देता है और धीरे धीरे करके आपका पेट इतना साफ रहता है कि एवरीडे डिटॉक्स होता है सब बॉडी तो आपने कुछ भी ऑर्गेनिक खाया तो शरीर में हर एक सेल्स लेवल तक पहुंचेगा तो वात पित्त और कफ तीनों पे पूरा आयुर्वेद है तीनों को अनुलोमन का काम करेगा अनुलोमन मतलब जहां जिसको जाना चाहिए वहां पे पहुंचाता है जहां भोजन को पहुंच के पाच के जो सेल्स लेवल तक पहुंचना है वो पहुंचाता है तो वो साढ़े तीन सौ रुपये से दो सौ रुपये की रेंज के हैं घी हमारे पाँच से बारह हजार रुपये लीटर भी जाते हैं और गांव में ट्रीटमेंट होती है कभी कभी गांव वाले कैसे बारह हजार में घी लेते हैं तो ऑपरेशन का खर्चा बढ़ा है उसके सामने जब ठीक होता है तब उसको रीजनेबल लगता है तो दो तीन एलोपैथी डॉक्टर भी इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये विषय लंबा है लेकिन बहुत अच्छा हमने इसमें अंदर पाया है और वो गायों को सेग्रीगेशन किया है जिसके गौमूत्र और जिसके घृत अलग है और घी के विषय में एक लास्ट बात बता देता हूँ कि कलर के ऊपर कभी नहीं जाना क्योंकि अभी हर एक चीज के अंदर देखो एसेंस मिला के नकली चीज अभी ज्यादा सुंदर दिखती है अच्छी चीजों का बदल ही होता है जैसे घी एक साल पुराना का ये गुण है दस साल पुराना का ये है सौ साल हजार साल और दस हजार साल पुराने घी का ये गुण है कहाँ तक वर्णन है सौ साल पुराने घी का प्रपुराण घृत बोलते हैं वैसा कुछ गुण हमारी गायों में कुछ कम समय के अंदर आ जाता है तो स्किन के से लेकर के सभी एप्लीकेशन में एक्सीलेंट परिणाम मिलते हैं तो ये मैंने पाया है है किसान के घर पे ही गाय तो खुद गौमूत्र पीले खुद घी बनाए खुद उपयोग करे तो साठ किसानों की तो अपने हेल्थ बदल जाएगी। और शहर वाले घी कभी खरीदना जरूरी नहीं है आपके गांव में जो भी देसी गाय रखता है उसको बोलो कि बिलौना करके करे मलाई काम घी खाते हैं तो वो घी अलग होता है बिलोना जब करते हैं तब चर्निंग प्रोसेस के अंदर कंपाउंड पैदा होता है जो कोलेस्ट्रॉल काटता है ठीक है तो आपके गांव में जो भी देशी गाय रखता है वो देशी गाय का घी चार से पांच हजार रुपये आपको खरीदना है आप बोलेंगे इतना महंगा क्यों खरीदना है पांच सौ हजार रुपये में मिलता है आप जरा जोड़ के देखे चौवन अट्ठावन रुपये आप दूध खरीदते हैं घेटा बकरा भैंस और मिलावट वाला मिक्स उसको बिलौना करिए दही जमा के घर पे पैंतीस लीटर पे एक लीटर घी बनेगा घर पे 2000 घर पे आपको पड़ेगा सब मिलावट वाला घी कैसे किसी से आप एक हजार सस्ता मांग सकते चार हजार चुकाना है कभी ऐसा नहीं बोलना महंगा है नहीं पोसाता है आप 200 ग्राम खाओ ना महीने में की 500 ग्राम खाओ बट शुद्ध खाइए और उसको पूरा चुकाइए आपके गांव में जो भी ऑर्गेनिक पकाता है उससे पूरा दाम में खरीदिए डायरेक्ट खरीदिए मेरे ऑर्गेनिक स्टोर है लेकिन मैं कभी नहीं कहता हूं मेरे स्टोर से ही खरीदो तो। हमारे सोलह स्टोर से पर हम कहते हैं कि डायरेक्ट किसान को आप पूरा चुकाओ आप शहर चाह चुके लेकिन आपके मूल गाँव के लोगों को पूरा चुकाइए उनसे घी पूरे दाम में खरीदिए तो अपने आप गाय रखेगा डिमांड एंड सप्लाई का पूरे है पूरी दुनिया में तो आप डिमांड क्रिएट कीजिए आप गांव वालों को एनपावर कीजिए अदरवाइज कभी दोष मत देना गांव वालों ने गाय नहीं रखी क्यों वो आंदोलन करने नहीं आएगा नहीं पोसाती गाय वो कतल खाने इंडिरेक्ट जाएगी आप उतने ही दोषी है जो नहीं खरीद रहे पूरे दाम में उसका घी और उसका सब चीज तो आपको आज से मैं विनती करता हूं कि कैसे भी करके ऑर्गेनिक चीज और सभी चीज मेरे ख्याल से आप गांव को एनपावर कीजिए आप गांव के लोगों को एनपावर कीजिए और शायद आखिर में कृष्ण भगवान की बात कह बिना पूरा नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा गाय माता को सम्मान दिया था उनको पूछा गया था कि आपको सबसे ज्यादा पल में कौन से पल में आनंद आया था जीवन में उन्होंने बोला है कि मैं जब छोटा था नंगे पेर गायों को चराने जाता था और जब हम शाम को वापिस गौधी के समय आते थे मेरी पूजा गायों के पवित्र पैरों से जो गौधी उड़ती थी उससे मैं नहा गया वैसा आनंद जो आया वैसा आनंद मुझे कभी नहीं आया अगर श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा तो मेरा तो कोई स्तर ही नहीं है छोटी छोटी कुछ बातें बताई मैं एक बूंद भी नहीं जानता हूँ जो गाय के समंदर में देखा तो बूंद भी नहीं जानता हूँ ये वास्तविकता है तो मुझे यहाँ पे मौका मिला और आप सबसे बात रखने का मौका मिला इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मातरम वंदे गौ मातरम